चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भीगे और अंकुरित चने खाने के बेमिसाल फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, चना खाने से आपका शरीर सिर्फ स्वस्थ नहीं बल्कि बलवान और शक्तिशाली भी बनता है। चना भी उन चीज़ों के नामों में शामिल है जिनके बारे में कहा जाता है कि एक चीज़ के अनेक फ़ायदे। यह जवानों और हार्ड वर्क करने वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि इसे पचाने के लिए पाचन शक्ति का अच्छा होना भी ज़रूरी होता है। दूसरा, इन दो तरह के व्यक्तियों को बल की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। वैसे तो चना कैसे भी और कोई भी खा सकता है, सभी के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध होता है। आइए देखते हैं इसके फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, 25 ग्राम देसी काले चने लेकर अच्छी तरह साफ़ कर लें और शाम के समय 125 ग्राम पानी में इन्हें भिगो दें। अगले दिन सुबह फ्रेश होने के बाद और व्यायाम करने के बाद चनों को अच्छी तरह से चबा चबा कर खाएँ और ऊपर से चनों का पानी पी लें जिसमें चने भिगोए थे, या इस पानी में आप एक या दो चम्मच शहद मिलाकर भी इसको पी सकते हैं। अंकुरित चने का नाश्ता एक उत्तम टॉनिक है। चने के मात्रा धीरे धीरे आप 25 ग्राम से 50 ग्राम तक बढ़ा सकते हैं। भीगे हुए चने खाने के बाद यदि दूध पिया जाए तो इससे धातु पुष्टि होती है और पौरुष शक्ति बढ़ती है। व्यायाम के बाद रात को भीगे हुए चने को पानी सहित नियमित रूप से सेवन करने से आपका स्वास्थ्य हमेशा ही ठीक रहेगा और आप हष्टपुष्ट बने रहेंगे। दोस्तों, जिसकी पाचन शक्ति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है या चने खाने से पेट में अफारा होता है, उन्हें चने का सेवन नहीं करना चाहिए। अंकुरित चना धातु पौष्टिक मांसपेशियों को सुदृढ़ और शरीर को वज्र के समान बनाने वाला होता है और समस्त चर्म रोग नाशक होता है। विटामिन सी की प्रचुरता के कारण यह नाश्ता वजन बढ़ाता है, खून में वृद्धि करता है। अंकुरित चने का सेवन फेफड़े मजबूत करता है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल कम करता है और दिल की बीमारियां दूर करने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है। अंकुरित चनों में कुछ लोग स्वाद के लिए पिसी हुई काली मिर्च, सेंधा नमक और अदरक की कुछ कतरन और नींबू की कुछ बूंदें भी मिलाते हैं, परंतु यदि इन्हें आप बिना किसी मिलावट के खा सकें तो सबसे उत्तम होगा। दोस्तों, ये थे भीगे और अंकुरित चने के बेमिसाल फ़ायदे। दोस्तों, यदि हम इनके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो कोई इसके साइड इफ़ेक्ट नहीं है, फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप आज से ही इसको शुरू कर दें ताकि आप हेल्दी और हष्टपुष्ट बने रहें। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और बताई गई टिप्स, दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें। हम जल्दी फिर लौटेंगे कुछ नए मर्ज और उनका आसान सा उपाय के साथ। तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपना ख्याल रखें।